भोपाल जिला प्रशासन ने भूमाफिया एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के अवैध कब्जे हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत बैरागढ़ में इमरान सिटोरिये के मकान को तोड़ दिया गया। ग्राम बेहटा के पास ऐतिहासिक टेकरी के पीछे सरकारी जमीन पर बनी डेयरी को भी जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। इमरान सिटोरिये का मकान तोड़े जाने से लोग खुश नजर आए। बैरागढ़ में एसडीएम मनोज उपाध्याय एवं एसडीओपी दीपक नायक की अगुवाई में पुलिस प्रशासन का दल ग्राम बेहटा पहुंचा। यहां राजेंद्र मेवाड़ा की डेयरी को हटाया गया। अमला पहुंचते ही इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम की जेसीबी से एक घंटे में ही डेयरी को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि पास में सरकारी जमीन पर बनी झोंपड़ियों और पक्के मकानों को छोड़ दिया गया। एसडीएम उपाध्याय ने बताया कि फिलहाल माफिया एवं अपराधियों की ओर से किए गए कब्जे हटाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में टेकरी को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। राजेंद्र मेवाड़ा के द्वारा लगभग 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट में कब्जा करके और निर्माण कार्य कर लिया गया था। उसको झुग्गी माफिया के रूप में जाना जाता है, इसलिए उसका निर्माण कार्य पूरा गया है। और इमरान जो सटोरिया है, सट्टा खिलाता है, उसका मकान आपको चिन्हित किया, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे टूट रहा है, वो इमरान का मकान है। इमरान सट्टेबाज है और उसके ऊपर अन्य अनेक अपराध है। पुलिस की मौजूदगी में साधु वासवानी कॉलेज रोड पर इमरान सटोरिया के मकान का बड़ा हिस्सा घन एवं हथौड़ों की मदद से तोड़ दिया गया। थाना प्रभारी शिवपाल कुशवाहा के अनुसार इमरान इसी मकान से सट्टे की पर्चियां लिखता था। इसका पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें खुलेआम सट्टे की पर्चियां लिखी जा रही थी। तोड़फोड़ के दौरान इमरान के रिश्तेदार विरोध करने पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने ताला तोड़ने के बाद मकान ध्वस्त कर दिया। बैरागढ़ एवं खजूरी थाना पुलिस ने कुछ अन्य माफिया एवं अपराधियों के घरों को और संपत्तियों को भी चिन्हित किया है। जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र मेवाड़ा करते हैं और जिन्होंने की इस तरीके से बेहटा के पास में जगह कब्जा करके और फिर वो आदमी झुग्गियों को बेचना, इस तरीके की चीज़ थी, तो उनके द्वारा जो कब्जा किया गया था 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह थी, उनका निर्माण का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।